लातेहार जिले के बालूबाद थाना क्षेत्र के जोगिया डी में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश में गरीब का आसियाना ढह गया। परेशानी झेल रहे गरीब अपनी समस्या लेकर सरकारी बाबू के पास पहुंच तो रहे हैं, बदले में उन्हें मिल रहा है क्या आश्वासन। परेशानी झेल रहे लोगों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। इसका सही उदाहरण गर्मियों में सुखार झेलने वाले लातेहार का है। लातेहार जिले के बालूमाथा थाना क्षेत्र के जोगिया डी में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश में गरीब का आशियाना ढह गया। इस बारिश में गरीब दिनेश गंजू का घर ध्वस्त हो गया। दिनेश ने बताया कि कई वर्षों से झोपड़ी नुमा खपड़ैल मकान में जीवन बसर कर रहे थे। वो कई बार बबुआ आवास और पीएम आवास के लिए आवेदन भी किया, लेकिन आज तक आवास नहीं मिल पाया। खुला तब तब चता पंचायत में देवा ही है, कहाँ देवेन घर है, खाली फार्म अप्लाई करा है और देवेन घर है। जब जब कैंप लगा तब तब देवा ही है, तीन चार बार तो दिलिया कहते ना खा सरकार का करिए, गरीब आदमी के मिट्टिया वाला न। यहाँ मुखिया जी एक गले रहते हैं, कभी जांच पड़ताल किसको मिला है, को किसका घर गिर रहा है का हो, तो कभी जांच पड़ताल कर ही नहीं रहा है। हम यही बात बोलेंगे, आपका बोलेंगे। कौन मुखिया है यहाँ का? नरेश मुखिया। यह समस्या सिर्फ गंजू और उसके परिवार की नहीं है, गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी छत होने के सुख से वंचित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वैसे लोगों के अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है जो इसकी श्रेणी में ही नहीं आते हैं, और जिन लोगों को सच में इस योजना की आवश्यकता है वो अभी भी इस योजना से वंचित है, कहीं तो दूसरे के घरों में रहने को भी विवश है। दूसरा के घर में रहते हैं, घर गिर गया, आवास वास नहीं मिल रहा है। मुखिया कभी बोलते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है। मुखिया क्या कहता आप बोलते हैं तो? कहाँ कुछ नहीं बोलता, कभी मिल जाएगा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता, बार भी भर या भर भी कुछ नहीं हुआ। घर ध्वस्त हो जाने के कारण 8 लोगों का परिवार मुश्किल में पड़ गया है, और जब इसकी फरियाद लेकर मुखिया नरेश उराव के पास पहुंचे तो मुखिया ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि घर धस गया तो हम क्या करें, जहां रहना है रहो। वहीं इस मामले को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने बीडीओ से सहायता की अपील की है, जिस पर बीडीओ का कहना है कि जांच की जाएगी, अगर लिस्ट में नाम होगा तो लाभ उन तक पहुंच जाएगा। उन लोग को बहुत रहने की दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका जल्द जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके हम जो है कि आवास मुहैया इसका सर्वे कराकर जिसका जरूरतमंद आवास की आवश्यकता है उसे जांच कराकर जो है कि उन लोग को उपलब्ध कराने का कोशिश मेरा प्राथमिकता रहेगा। लिस्ट में नाम है उसको वेटिंग लिस्ट के आधार पर जैसे जैसे हम लोग को टारगेट मिलते जाएगा हम लोग उस पर आपसे कार्रवाई करेंगे। हर बार की तरह इस इलाके के गरीब सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी वो मदद की आस लेकर सरकारी बाबुओं के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बात तो बाबुओं को भी नहीं पता है कि इन्हें न जाने और कितनी बरसात बिना छत के काटनी पड़ेगी। लातेहार से TV45 के लिए दिलीप कुमार के साथ रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और बरसात की मार झेल रहे ये लोगों का घर जो है वो ध्वस्त हो गया है, और लगातार जो है सरकारी बाबू के ये चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। खैर, इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लातेहार से दिलीप विश्वकर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, मूसलाधार बारिश जो है गरीबों का आसियाना उजाड़ गई, लेकिन अब जब वो प्रशासन से गुहार लगा रही है और मदद को लेकर के, लेकिन इनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। जी अनिकेत, एक और सरकार गरीबों के आवास के लिए कई योजनाएं ला रही है। राज्य सरकार गांव-गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है ताकि कोई आवासहीन न रहे। लेकिन दूसरी ओर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर रही है। जिले में लगातार समीक्षात्मक बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वैसे आवासहीन गरीब लोगों को सर्वे कर आवास से वंचित लोगों को मकान दिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधि सिर्फ ऑफिस में बैठकर कागजों पर सूची तैयार कर भेज देते हैं, निरीक्षण करने जाते ही नहीं। अगर जाते तो शायद इन 4 वर्षों में इस गांव की तस्वीर बदल सकती थी। सरकार गरीबों के लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जोगिया टी के ग्रामीण किस तरह आवास के अभाव में जर्जर खपरेल मकान में रहने को विवश है। कहीं न कहीं विडम्बना है क्षेत्र के लिए कि आज भी लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड विकास से कोसों दूर है। जी
जी विकास से तो दूर है, लेकिन जब भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो जरूर आते होंगे, लेकिन उसके बाद कोई सूद लेने वाला नहीं है कि ये ग्रामीण कैसे रह रहे हैं, किस बदहाली में रह रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग गांव के लोग मुखिया नरेश उरांव को बड़ी उम्मीद के साथ वोट देकर जिताया था कि हमारी समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगा, लेकिन जीतने के बाद से उनकी हमारी समस्या से मतलब ही नहीं रही और न ही हमारे हालात से कि गरीबी पर उसका कोई किसी तरह से असर पड़ रहा है। गरीब परिवार थक हार के उसी जर्जर भवन में रहने को विवश है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी जी दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।